नमस्कार साथियों, आज हमारे अध्ययन का शीर्षक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना अर्थात इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम प्रत्यक्ष तक ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरणें है ना भूगर्भ को भेद नहीं सकती, अतः हम प्रत्यक्ष तरह इसे देख नहीं सकते। पृथ्वी के अंदर क्या क्या परतें हैं, किस तरह की इसकी आंतरिक संरचना है। पृथ्वी पर सबसे गहरी खदान कोलार की गोल्ड माइंस है, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में कोलार जिले में स्थित है, जिसकी गहराई है 3000 मीटर। कोलार गोल्ड माइन 3000 मीटर गहरी है। इसी प्रकार पेट्रोलियम क्षेत्रों में तेल कुओं की गहराई भी 4 किलोमीटर से अधिक नहीं होती। तेल कुओं की गहराई 4 किलोमीटर होती है। इस प्रकार पृथ्वी के विशाल आयतन की तुलना में 4 या 5 किलोमीटर की गहराई का ज्ञान नगण्य है, तुच्छ है, अतः भूगर्भ एक रहस्य का विषय है। भूगर्भ की आंतरिक संरचना को समझने के लिए भूकंप तरंगों का सहारा लिया जाता है। भूकंप तरंगों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आसानी से समझा सकते हैं, सीस्मिक वेव्स के आधार पर। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ फोकस ऑन इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन इन डेंसिटी एंड थिकनेस एट वेरियस डेप्थ। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ फोकस ऑन इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर अब ये लेयर्ड स्ट्रक्चर किस प्रकार निर्मित हुई? द लेयर्ड स्ट्रक्चर डेवलप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हॉट गैसियस स्टेट टू प्रेजेंट स्टेज। जैसे पुरातन काल में पृथ्वी ठोस गैस का पिंड था, आग का गोला था, जिससे कालांतर में जो परिवर्तन हुए उससे यह परतदार संरचना के रूप में परिवर्तित हुई। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने से पहले हम भूकंप तरंगों के बारे में साधारण जानकारी लेंगे। भूकंप तरंगें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सीस्मिक वेव्स आर जनरली 3 टाइप्स। फर्स्ट पी वेव्स, दूसरा एस वेव्स और तीसरा आर वेव्स। पी वेव्स प्राइमरी वेव्स हैं, एस वेव्स सेकेंडरी हैं और आर वेव्स रेले वेव्स हैं। अब सीस्मिक वेव्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स These waves are different in respect of their velocity, propagation velocity, path of travel and different characters. Velocity, path of travel and other characters. P waves को हम longitudinal waves भी कहते हैं। P waves also called longitudinal waves. पी वेव्स कैन ट्रेवल इन एवरी टाइप ऑफ मीडियम लाइक सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस मीडियम। एंड पी वेव्स हैव शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी। इनकी वेवलेंथ छोटी होती है और आवृत्ति ज्यादा होती है। शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी। These are fastest waves. अब दूसरे प्रकार की तरंगे देखते हैं जिन्हें हम S waves कहते हैं। S waves. These are also called secondary waves. इन्हें हम ट्रांसवर्स और शियर वेव्स भी कहते हैं। सेकेंडरी वेव्स को ट्रांसवर्स और शियर वेव्स भी कहा जाता है। ट्रांसवर्स एंड शियर वेव्स भी कहते हैं।
वेव्स आर स्लो इन मोशन रेस्पेक्ट टू पी वेव्स, स्लो होती है ये पी वेव्स की तुलना में, स्लो इन मोशन। और इनका सबसे मुख्य गुण है ये ओनली सॉलिड मीडियम से गमन कर सकती है, दे कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड मीडियम एस वेव्स, सॉलिड मीडियम। एंड अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज दे हैव आल्सो शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी, इनकी भी पी वेव्स की तरह शॉर्ट वेवलेंथ होती है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। इसके बाद देखते हैं हम आर वेव्स या रेले वेव्स, आर वेव्स रेले वेव्स। दीज वेव्स आर आल्सो ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इन्हें हम सरफेस वेव्स भी कहते हैं, सरफेस वेव्स भी कहते हैं, सरफेस वेव्स। बिकॉज दीज वेव्स आर कन्फाइंड टू आउटर स्किन ऑफ द क्रस्ट ओनली, आउटर स्किन ऑफ द क्रस्ट, ऑफ द क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में हम आगे जानकारी देंगे कुछ देर बाद। और इन्हें हम रेले वेव्स को एल वेव्स भी कहते हैं, एल वेव्स। एंड दीज वेव्स हैव लो वेलोसिटी, लो वेवलेंथ, लो वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। On the basis of seismic investigations, Earth's interior has been broadly divided into three major parts, which are also called crust, mantle, and third most important is core. तीन भागों में बांटा गया है भूकंप तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, जिन्हें हम crust, mantle और core कहते हैं। Crust, दूसरा mantle और अंतिम है core। इसको हम चित्रांकन द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का यहां निर्माण कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे। सबसे ऊपर है क्रस्ट, ये क्रस्ट है, इसकी थिकनेस होती है 33 किलोमीटर, एवरेज थिकनेस है क्रस्ट की 33 किलोमीटर। इसे दो भागों में बांट रहे हैं, अपर पार्ट इज सियाल और लोअर पार्ट इज साइमा, और इनके बीच में डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती हैं, जिनके डिफरेंट नाम होते हैं। जैसे सियाल और साइमा के मध्य एक मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी 11 किलोमीटर डेप्थ पे। और सेकेंड पार्ट इज मेंटल, इसे भी दो भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और कोर को तीन भागों में बांटा गया है, आउटर, मिडल और इनर, आउटर, मिडल और इनर कोर। 950 किलोमीटर डेप्थ तक रैपिड डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। और आउटर कोर पे मेंटल है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, 2900 किलोमीटर की। और मेंटल और कोर गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी द्वारा पृथक है, गुटेनबर्ग विकर्ट डिस्कंटिन्यूटी द्वारा पृथक है। और ये तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें इनकी डेप्थ अलग होती है, 2900 से 4982 किलोमीटर होता है आउटर कोर, मिडल कोर होता है 5121 किलोमीटर तक होता है, और इनर कोर होता है सेंटर ऑफ अर्थ, ये 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब हम देखते हैं सियाल, क्रस्ट के बारे में देखते हैं। अभी क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है मुख्यतः, जिसमें ऊपर पार्ट है सियाल और लोअर पार्ट है साइमा। सियाल को अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहते हैं, जो क्रस्ट का अपर पार्ट है उसे अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, और साइमा को लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। सियाल इज मोस्टली रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम, हेंस नेम कॉल्ड इज सियाल। सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है अपर पार्ट में, क्रस्ट के ऊपरी भाग में।
और लोअर भाग में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, और इसमें हेट्रोजीनस रॉक पाई जाती है। सियाल में हर तरह की चट्टानें पाई जाती है। कंपोजिशन ग्रेनिटिक टू ग्रेनोडायराइटिक होता है, इसका सियाल का ग्रेनिटिक टू ग्रेनोडायराइटिक होता है, और साइमा का होता है बेसाल्टिक होता है, कंपोजिशन इज बेसाल्टिक। सियाल एंड साइमा आर सेपरेटेड बाई डिस्कंटिन्यूटी, माइनर डिस्कंटिन्यूटी, जिसे क्या कहते हैं कॉनरेड डिस्कंटिन्यूटी, कॉनरेड डिस्कंटिन्यूटी। सियाल और साइमा एक डिस्कंटिन्यूटी द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं, जिसे कॉनरेड डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। 11 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। क्रस्ट की जो थिकनेस है, एवरेज थिकनेस है, वो 33 किलोमीटर होती है, जबकि ओशनिक पार्ट्स में इसकी थिकनेस होती है 5 या 10 किलोमीटर तक होती है, और कॉन्टिनेंटल पार्ट में होती है इसकी 35 किलोमीटर, और ओरोजेनिक रीजन जहां से जहां पर पर्वतमालाएं बड़े बड़े पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वहां पे इसकी एवरेज थिकनेस होती है 55 से 70 किलोमीटर तक होती है। तो ये वेरी करता है स्थान स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न। सेकेंड मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इंटीरियर इज मेंटल, इसे भी दो भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल लोअर मेंटल। क्रस्ट से मेंटल फर्स्ट ऑर्डर डिस्कंटिन्यूटी द्वारा अलग होता है, जिसे हम मोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। यह 33 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है, मोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी 33 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है भूगर्भ के अंदर। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपेटिव डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, जो कि 950 किलोमीटर की गहराई पे पाई जाती है, 950 किलोमीटर पे रेपेटिव डिस्कंटिन्यूटी में पाई जाती है। और जो इसका कंपोजिशन होता है वो ओलिविन पाइरोक्सिन कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। मेंटल ओलिविन पाइरोक्सिन कॉम्प्लेक्स होता है इसमें, मेंटल का कंपोजिशन ओलिविन पाइरोक्सिन कॉम्प्लेक्स। जो ये मेंटल पार्ट है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ अर्थ इंटरनल एनर्जी एंड फोर्सेज, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मेजर अर्थक्वेक्स, वोल्केनिज्म एंड ओरोजिनी। यह पृथ्वी के आंतरिक बल, इसमें आंतरिक ऊर्जा संग्रहित होती है, जो सेकंड पार्ट है ना मेंटल, उसमें पृथ्वी की मोस्ट ऑफ अर्थ से इंटरनल एनर्जी संग्रहित होती है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, और विभिन्न टेक्टोनिक एक्टिविटीज यहीं से संचालित होती है, और इसकी गहराई होती है 2900 किलोमीटर तक मेंटल की। विद इन मेंटल ए नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिस्कंटिन्यूटीज लोकेटेड, मेंटल के अंतर्गत द्वितीय क्रम की डिस्कंटिन्यूटीज पाई जाती है विभिन्न प्रकार की, जिनमें से है डेंसिटी ब्रेक, डेंसिटी ब्रेक है जो कि 80 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। दूसरा है ग्रेविटी ब्रेक, जो कि 150 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। उसके बाद है रेपेटिव डिस्कंटिन्यूटी, जो कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच पाई जाती है, जो कि 950 किलोमीटर की गहराई पर है। अब मेंटल कोर से डिफरेंट होता है, वो किसके द्वारा होता है, गुटेनबर्ग विकेट डिस्कंटिन्यूटी द्वारा। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ इंटीरियर इज कोर, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम अपर लेयर मेंटल बाई गुटेनबर्ग विकेट डिस्कंटिन्यूटी, विच इज लोकेटेड एट 2900 किलोमीटर डेप्थ। 2900 किलोमीटर गुटेनबर्ग विकेट डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, जो कि मेंटल और कोर को पृथक करती है। इसे तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ कोर इज आउटर कोर, आउटर कोर है जो कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 2900 किलोमीटर टू 4982 किलोमीटर, 2900 से 4982 किलोमीटर तक फैला हुआ है आउटर कोर है। इट डज नॉट ट्रांसमिट एस वेव्स, आउटर कोर से एस वेव्स ट्रांसमिट नहीं होती, बिकॉज इट्स कंपोजिशन इज फ्लड, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है आउटर कोर। अब आता है मिडिल कोर, इसे ट्रांजिशन लेयर भी कहते हैं। मिडिल कोर इज आल्सो कॉल्ड इज ट्रांजिशन लेयर, ट्रांजिशन लेयर। इट एक्सटेंड फ्रॉम 4982 टू 5121 किलोमीटर, 4982 से 5121 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सबसे लास्ट का पार्ट है इनर कोर, जो कि पृथ्वी के भूगर्भ तक फैला हुआ है, पृथ्वी के इंटीरियर तक फैला हुआ है। इट एक्सटेंड फ्रॉम 5121 टू 6321 किलोमीटर, 6321 किलोमीटर तक फैला हुआ है सबसे, और इट्स कंपोजिशन इज सॉलिड स्टेट एंड आल्सो कॉल्ड इन निफे, अर्थात इनर कोर के अंतर्गत मेटेलिक निकल और आयरन की बहुलता होती है, इसलिए इसे निफे भी कहते हैं, इनर कोर निफे। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने देख ली।
अब इसके बाद पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे शेप ऑफ अर्थ क्या होती है, पृथ्वी का आकार क्या है, ओब्लेट स्फेरॉइड, स्फेरॉइड। अदर इंपोर्टेंट फैक्ट्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं वन लाइन आंसर वाले आपके एग्जाम में जो कि इंपोर्टेंट है। और इक्वेटोरियल रेडियस क्या होती है अर्थ की, इक्वेटोरियल रेडियस होती है 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर। और पोलर रेडियस होती है अर्थ की 6356 किलोमीटर, पोलर रेडियस होती है 6356 किलोमीटर। इसी प्रकार एज ऑफ अर्थ होती है 4.6 बिलियन ईयर्स, पृथ्वी की आयु कितनी है 4600 मिलियन ईयर्स या 4.6 बिलियन ईयर्स। और मास कितना होता है पृथ्वी का, मास ऑफ द अर्थ इज 5.9 × 10^27 ग्राम होता है पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। और आयतन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 1.08 × 10^27 सीसी। और डेंसिटी कितनी होती है, पृथ्वी का घनत्व कितना होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी होगी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद होते हैं अर्थ सरफेस का एरिया कितना होता है, अर्थ सरफेस 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये अर्थ सरफेस का एरिया है, डेंसिटी अर्थ सरफेस। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट में एक गुणन करती है, गुणन काल होता है 23 ओवर्स 56 मिनट्स, 23 घंटे 56 मिनट। और एक रिवोल्यूशन टाइम होता है पृथ्वी अपने, मतलब एक परिभ्रमण काल ये सूर्य के चारों ओर पूरी परिक्रमा कितने समय में करती है, 365 दिन में। रिवोल्यूशन टाइम इज 365 डेज, अर्थ रिवोल्यूशन टाइम इज 365 डेज। ये पृथ्वी के बारे में सामान्य तथ्य है। और पृथ्वी की त्रिज्या होती है सबसे आखिर में 6371 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371 किलोमीटर। आज हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।